हियर इज अ क्वेश्चन, मोल्स ऑफ Na2SO4 टू बी डिसॉल्वड इन 12 मोल ऑफ वाटर टू लोअर इट्स वेपर प्रेशर बाय 10 mm ऑफ HG एट अ टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज 50 mm ऑफ HG। तो ये आपको बताना है कि यहाँ पर मोल्स ऑफ सॉल्यूट Na2SO4 के कितने डिजोल्व की है आपने वाटर के अंदर। तो देखो बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर जो आपका फॉर्मूला यूज होगा, ऑब्वियसली बात है, देखो वेपर प्रेशर में क्या आ रही है, लोअरिंग की बात आ रही है। तो वेपर प्रेशर में जब लोअरिंग की बात आती है तो कौन सी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज होती है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो फॉर्मूला हो जाएगा आपका पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट इज इक्वल टू आई वांटर फैक्टर इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ऑब्वियसली बात है यही फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। नाउ अब ध्यान से समझिए इसे, यहां पर फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने वांटा फैक्टर क्यों यूज किया, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है Na2SO4, ये क्या है एक इलेक्ट्रोलाइट है, और ये डिसॉल्व होता है जब वाटर के अंदर तो अपने आयंस के अंदर ये डिसोसिएट हो जाएगा और क्या फॉर्म करेगा, 2 moles ऑफ Na प्लस एंड 1 mole ऑफ SO4 2 माइनस। तो 1 mole Na2SO4 3 mol सॉल्यूट आयंस को क्रिएट कर रहा है, इसलिए आपको वांटा फैक्टर को यहां पर काउंट करना पड़ेगा। नाउ सेकेंड थिंग, यहां पर क्या बोला है कि जब आपने सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर ऐड किया तो लोअर इट्स वेपर प्रेशर बाय 10 mm ऑफ HG। मतलब कि आपने लिया सॉल्वेंट, इसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आपने ऐड किया और क्या बनाया, सॉल्यूशन बनाया। सॉल्वेंट का एक्चुअल में जो प्योर सॉल्वेंट कौन है, वाटर है, और प्योर वाटर का जो वेपर प्रेशर है कितना है, 50 mm ऑफ HG है। जब इसके अंदर आपने सॉल्यूट को ऐड किया तो वेपर प्रेशर में कितना डिक्रीमेंट हुआ, बाय 10 mm ऑफ HG, मतलब कि 50 में से 10 mm ऑफ HG का क्या हो गया, डिक्रीमेंट हो गया। तो बचा कितना, सिर्फ 40 mm ऑफ HG बता, क्लियर है। ये क्या हो गया आपका पी नोट, ये क्या हो गया आपका पी एस। अब वैल्यू पुट करो, पी नोट माइनस पी एस, 50 माइनस 40 कितना हो गया, 10 mm ऑफ HG अपॉन पी नोट कितना होगा, 50 mm ऑफ HG इज इक्वल टू वांटा फैक्टर आई इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो उसमें भी क्या आ जाएगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। अब वांटा फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन यहां भी करोगे आप, क्यों, क्योंकि सॉल्यूट ही तो डिसोसिएट हो रहा है ना, वाटर थोड़ी डिसोसिएट हो रहा है, इसलिए यहां पर आप आई का मल्टीप्लाई नहीं करोगे, क्लियर है। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं, देखो 10 upon 50 इज इक्वल टू, देखो वांटा फैक्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 mole Na2SO4 3 के अंदर डिसोसिएट हो रहा है, तो वांटा फैक्टर की वैल्यू हो गई थी 3 हो गई, इंटू मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो हमें नहीं पता, वो हमें कैलकुलेट करना है, अपॉन में क्या आ जाएगा, 3 इंटू मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कितना है, तो 12 मोल्स बोला इसने। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो, तो यहां पर जो आपका मोल्स ऑफ सॉल्यूट आएगा कितना आएगा, 1 आएगा, चेक कर लेना। हियर इज द योर आंसर एंड ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट ऑप्शन।